हे एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं होटल में रूम देखने के लिए। तो रूम बहुत ही कॉस्टली बता रहे थे, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर सेकेंड होटल में जाएंगे। तो देखते हैं। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, बस रुक जाते हैं सामान लाए नीचे से। एक बात फाइनल कर लीजिए, बस आ जा रहा हूँ। हाँ, 1600 रुपये। चलो डन कर लो, और क्या। तो दूसरी जगह गए थे, वहाँ पे 2-2500 का बता रहा था वन डे नाइट का। तो यहाँ पे 1600 आप लोगों ने सुना, एक रात का 1600 रुपये, तो कुछ सही लगा था, लेकिन कॉस्टली तो था ही हमारे लिए। तो गाइस, ये रूम कैसा लगा बताइए। इसमें डबल बेड है, एक साइड इधर एक साइड इधर, बस इसमें टीवी नहीं है, तो बस बोरिंग सा थोड़ा सा लगेगा। टीवी एंजॉय करते बट हम लोग घूमेंगे, टीवी कहाँ देखेंगे, है ना दीदी। तुम भी कुछ बोल लो। भाभी श्री 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 पद्मा श्री ना बोलियो, जाओ अच्छा अच्छा रूम में कोई बोल भी ना, है ना। कुछ दिन बैठे बहुत अच्छा है, और हम लोग फाइनली रुकने का प्लान यही होगा, और हम लोग नीचे चले सामान लेने के लिए। सामान लेके आ रहे हैं। मम्मी आ गई भाई, बैग में लेके आ रहा हूँ। ये अपना रंजीत भाई सारा सामान एडजस्ट कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और अनिका बिटिया जल्दी से, हम लोग अपना बैग उतार के और चल रहे हैं अभी के लिए। ओ भाई, ये हमारा होटल है, हम लोग इसमें रुकने के लिए प्लान हो गया मेरा। और ये मेरा रिसेप्शन है, आप उज्जैन आते हैं तो रेस्टोरेंट जरूर आइए। रेस्टोरेंट का क्या नाम है भैया? आर के गेस्ट हाउस है। जब भी आप आइए यहाँ आ जाइए, आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा, सबसे अच्छा रूम, फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, फाइनली ये सेकंड वाला जो हम लोगों ने देखा, ये वाला हो गया हम लोगों का, और वन नाइट का 1600 रुपये है गाइस। और अदर हमने देखा था वहाँ पे 2000-2500 ऐसे बता रहा था। मम्मी को देखो आते ही आराम, मतलब आते ही मैडम बनचुड़ी आराम करने लगी। और उनकी देखो एक बेड वो ले ली है। हाँ, तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा रूम बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। हम लोग इतना मतलब टायर्ड हो गए हैं ना, इतनी थकान हो रखी है मुझे कि पूछो नहीं, क्योंकि कल रात में हम लोग बिल्कुल सोए ही नहीं है इस वजह से। और हाँ, आप आज सोएंगे बढ़िया से, आराम से मस्ती भी करेंगे, वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो अभी बनी रहिए। ओके गाइस, अभी हम आपको बैक कैमरे से पूरा रूम और बाथरूम ये सब कुछ दिखाते हैं कि यहाँ का कैसे क्या है। ये टेबल दे रखी है जो आप यहाँ पे सामान रख सकते हो। छोटा सा ये मिनर लगा हुआ है जिसमें आप अपना थोपड़ा देख सकते हो। थोपड़े पे मेकअप करना है ना इसलिए। और 2 डबल बेड दे रखे हैं जिसपे 3 देवियाँ लेटेंगी, 4 देवियाँ लेटेंगी। और ये जो बेड है ना, इसपे 3 बॉयज लेटेंगे जो जो बहुत भुखड़ है। और गाइस इधर ही दे रखा है ये हमारा बाथरूम और लैट्रिन, ठीक है, अटैच है, इसलिए थोड़ा सा बोर हो रहा था। कह रहे थे भैया कि अभी न्यू बनवाया है, अभी भी न्यू ही ओपनिंग हुई है, और इस वजह से हाय गाइस हम पैदल चल के औरत बाए। ये देखिए सभी आ रहे हैं, तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आप लोगों से। तो घूमने जाने के लिए तो तैयार होना पड़ता है ना, तो हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए सभी लोग तैयार होने लग गए हैं। तो सब लोग कहाँ चले प्लीज बताइए, मुझे तो पता नहीं है कहाँ जा रहे हो भाई। शूटिंग तुम करेंगे हम, बताना सही बताओ हमारे कॉरिडोर कॉरिडोर
तो वहाँ पे देखो सास बहु में बहुत है प्यार, तो कह रही नहीं मम्मी जी बहुत बदबू आई। अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, चलिए फिर अभी बने रहिए। तो फ्रेंड हम लोग आके आराम भी कर लिए थे, और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जहाँ पे हमने रूम देखा था वो 2 से 2.5 हज़ार बताते थे, लेकिन ये मुझे 1600 पे मिल गया था, तो सही था, थोड़ा महंगा था, लेकिन हमारा होटल में रुकने का सपना भी पूरा हो गया। और अटैच बाथरूम लैट्रिन है, और सभी लोग फ्रेश हो रहे हैं, और कुछ लोग तो कौवा स्नान करके, यानी कि आधा नहाते हैं आधा नहीं, आधा नहाने का मतलब सर सर धुल लेते हैं, हाथ पैर धुल लेते हैं, बस उनका नहाना हो जाता है ऐसे, ये बॉयज़ ज़्यादा करते हैं, हम लड़कियां तो नहीं, हम लड़कियां तो सही से नहाते हैं ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये कौवा स्नान कौन कौन करता है। और गीली टॉवल इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मुझे भाई को भी देखना सर्वर पोछेगा और गीली टॉवल ऐसे फेंक देगा, मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे। बाबू भी मेरे करते थे, लेकिन सुधारते सुधारते मैंने उनको सुधार लिया था, तो वो ऐसे ना या तो फिर दरवाजे पे डाल देते थे या तो बाहर रख देते थे, लेकिन कभी बेड पे नहीं डालते थे। तो यहाँ पे मैं अनिका को कर रही हूँ रेडी, और अनिका भी हनु हनु कर चुकी हैं, और हम लोगों ने आराम भी कर लिया था। और देखो कहाँ जाते हैं घूमने, कहाँ नहीं जाते, वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और पता है अभी तो डिसाइड तो हो ही नहीं पा रहा है कि हम लोग कहाँ घूमने जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, कोई कह रहा है कहाँ इधर चलो, कोई कह रहा नहीं आज नहीं वहाँ नहीं आज कल चलना, यही हो रहा है। जो भी है आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और कल हम लोग जाएंगे महाकाल के दर्शन करने सबसे पहले, तो वहाँ का ब्लॉग आएगा महाकाल का, तो आप लोग ज़रूर वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और फ्रेंड यही उम्मीद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ हाई कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं अनिका को सागर चोटी कर रही थी, पर रास्ते में इतना बाल इसका उलझ गया है कि बाल इतना फंस रहा था कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, तो अनिका इरिटेट हो रही थी, तो मैंने कहा कि रहने देते हूँ। तो मैं कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बाल फंसने की वजह से अच्छी सी बन ही नहीं पा रही थी, तो मैंने थोड़ी देर तो मेहनत की, फिर मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। फिर शायद मैंने इसकी कोई दूसरी हेयर स्टाइल कर दी थी। और रूम ये कैसा है कैसा नहीं है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आ सकता है। और सही है 1600 में आपके पास 5, 6 या 7 लोग हैं तो डबल बेड है, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारा रूम कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और हम लोगों की बातें हो रही थी यही सब चीज़ें, और मस्ती कर रहे थे और रेडी भी हो रहे थे। अब मम्मी गई हैं बाथरूम में, और मम्मी मेरी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मजाक है गाइस। तो यहाँ पे चलिए फिर हम अनिका को हमने ऐसे ही फिर बना दिए हैं बाल, आधे ही से ही मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फंस रहे थे। और अनिका कह रही थी मम्मा हल्का सा मुझे रेडी कर दो कि कहीं घूमने जाऊँ तो अच्छा लगे, तो मैं उससे कह रही थी रहने दो बेटा, लेकिन कह रही थी मम्मा मैं ऐसे तो मेकअप करती नहीं हूँ, जब मैं आज घूमने जा रही हूँ तो मुझे हल्का सा मेकअप कर दो, उससे मेकअप करना थोड़ा सा पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है घूमने चल रही हो तो मैं कर ही दे रही हूँ थोड़ा बहुत। तो बाकी मैंने फेस पे उसके कुछ भी नहीं अप्लाई किया था, फेस पे वो बेबी क्रीम्स वगैरह लगाती है वही लगाती है और कुछ नहीं लगाती, हल्का सा मैंने लिप कलर लगा दिया था बहुत ही हल्का सा, जो लिप्स उसकी हल्की सी पिंक पिंक दिखें, बाकी और कुछ भी नहीं। और तो यहाँ पे ये देखो ये भी लोग कौवा स्नान करके आ गए हैं, और अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो चलिए फिर अभी बनी रहिए फ्रेंड, मिलती हूँ अभी।
कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि भाभी की पथरी मरी माता मंदिर में निकाली गई थी, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि दी आपकी भाभी की पथरी किस में थी, आपने बताया नहीं। तो उनको पित्त में पथरी थी, भाभी को बहुत ज़्यादा पेन होता था, ऑपरेशन से बचाने के लिए उनको हम यहाँ लेके आए थे कि वो ठीक हो जाएंगी। तो उनको पित्त में पथरी थी, जिसको है तो वो जा सकता है उज्जैन मरी माता मंदिर।